बिल्कुल, अगर मान के चलो किसी पे भूत प्रेत वगैरह है, तो अगर वो यहाँ पे आ जाए आपके पास, तो कितने समय में उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? मैं उसके लिए उसको 3 से 3.5-4 घंटे का समय लेता हूँ। अच्छा, मैं जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेंद्र और लगातार साधु संत महात्मा तपस्वी अघोरी औघड़ नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं तंत्र क्रिया से जुड़े होते हैं, शमशान में क्रिया करते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो लगातार लेके आता रहता हूँ। और ये जो महाराज जी हैं, मैंने इनके जो वीडियो है पहले भी बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लोगों ने कमेंट किया कि महाराज जी की दोबारा से वीडियो बनाई, महाराज जी के और भी जो क्वेश्चन है वो जाके पुटअप कीजिए, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी दिए थे मुझे जाके महाराज जी से पूछना। तो अभी मैं महाराज जी के पास आया हूँ और महाराज जी से ही जानेंगे, बहुत सारी जो बातें हैं लोगों ने भेजी हैं भाई ये जाके पूछना। तो सबसे पहले महाराज जी का नाम पूछेंगे। महाराज जी सबसे पहले आपका नाम क्या है? आदेश गुरु महाराज का, मेरा नाम है राजनाथ ओगड़। अच्छा, और ओगड़ दूनी से ही हूँ मैं, ओगड़ संप्रदाय से, और सर्वंगी पंथ है मेरा आदेश में। हाँ जी साहब। अच्छा, सर्वंगी में मतलब क्या है? सर्वंगी क्या होता है? सर्वंगी में ये आता है कि शिव शक्ति का जोड़ा होता है, नर नारी का जोड़े की शिव शक्ति की पूजा की जाती है। अच्छा, इसलिए उसको सर्वंगी। मैं सर्वंगी सबका संगी सब न भेद बताऊँ, मैं ओगड़ का चेला फिर अकेला कोई नहीं शिष्य नवाऊँ, तो वो इसलिए वो सर्वंगी अलग ही पंथ होता है। इसमें नर नारी की पूजा होती है, जैसे शिव शक्ति की पूजा। आदेश। अच्छा, आप जो हैं शमशान में क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो शमशान में क्रियाएं करते हैं उससे ना ये लोगों को डराने के लिए की जाती है क्या, मतलब लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है, क्या ये सच है महाराज? ऐसा देखो, कुछ लोग अंधविश्वासी भी होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डराने के लिए काम कर रहे हैं। काम ऐसा भी है, दोनों जगह काम बातें सही है। तो हम में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो साधु संत है या कोई जानकार व्यक्ति है वो तो उस प्रक्रिया करेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, ना उससे वो कोई जीव डरता है। इसलिए वो तो क्या है कि कोई कर लेते हैं कुछ लोग। एक ये भी है कि जैसे बहुत सारे अघोरियाँ गलत क्रियाएँ करते हैं, ठीक है, तो आप भी एक अघोरी हैं, ठीक है, अघोरपंथ से जुड़े हुए हैं, तो आप पे कैसे कोई विश्वास करेगा भाई आप अच्छी क्रियाएं करते हैं? मान के चलो आपके पास कोई दिखाने आए उल्टा ही आप कर दे तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पारिवारिक क्रियाएं ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, पारिवारिक मतलब? जैसे परिवार में कोई हारी बीमारी है, उनके घर में कोई तंत्र विद्या है, कोई शारीरिक कष्ट है, सालों तक कोई रुका हुआ उस रोग तक का निवारण हो जाता है शब्द द्वारा, यानी कि गुरु के मंत्र जाप द्वारा। सबसे बड़ी क्रिया यही है, गुरु के मंत्र जाप की क्रिया। क्योंकि ये अगर आप भोग विलास भी करते हैं तो वो भी भोग विलास भी बिना मंत्र के अधूरा होता है, कि जहाँ शब्द है वहाँ सब कुछ रास्ते खुलने हैं। आदेश नान। अच्छा, मान के चलो अगर किसी को घर में परेशानी है, जैसे मतलब भूत प्रेत वगैरह की परेशानी है और वो अभी आ नहीं सकता है, वो चाहता है कि मतलब मैं भाई 2 दिन बाद पहुँचूंगा महाराज जी के पास, तब तक के लिए उसे उस परेशानी जो है समस्या है उससे छुटकारा मिल जाए कुछ टाइम के लिए, तो ऐसा कोई मंत्र है कि जिससे कि वो घर पे बोल के ऐसा कुछ नहीं करें, ऐसा क्षमा करें, उस क्रिया को जब करानी हो तभी छेड़छाड़ करें। अच्छा, नहीं तो कोई क्रिया से छेड़छाड़ नहीं करें, मेरा तो यही तथ्य है। उसमें झूठ माट का ये तेरे 1 दिन में ये हो जाएगा और तू जब तक ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रिया एक ही बार होती है, बार बार का खेल नहीं होता ये, ये रोज़ रोज़ का काम नहीं है क्रिया करना, मजाक नहीं है ये साधन लेके उतारा कर देना, ये भूत प्रेतों को बुला देना, ये कोई छोटी मोटी बातें हैं क्या? उन जीवों का हाल देखो जो पड़े हुए हैं आज, वो जंगल में पड़े हुए हैं, शमशानों में पड़े हुए हैं, उनको मजबूर है वो वहाँ रहने पर, क्योंकि अधूरी है क्रिया, नहीं तो सब जगह घूम सकता। जब अघोरी हो चुका, अघोर शब्द का ये अर्थ तो नहीं होता कि घमासान घोर युद्ध करना हमें, अघोर का शब्द का अर्थ ये है कि अघोर, अब इसके कोई घोरगार नहीं है, ये तो बिल्कुल बालक रूप हो जाता है, वो बाल रूप में आ जाता है, बाल योगी हो जाता है, उसका हर तत्व कावा सत्य हो जाता है, उसको किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती करने की, वो शब्द के सारे चलता है। आदेश। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जैसे तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, कि जैसे कोई मारण क्रिया होती है, ये क्या होती है, होती है या फिर ऐसे लोगों ने अफवाह फैला रखी है क्या है? देखो, तंत्र शाखा में 4 तरह की क्रिया होती है। अच्छा,
एक तो सेवा करना और एक किसी को वशीकरण करना, एक मारण क्रिया होती है और एक उच्चाटन क्रिया होती है। और हकीकत में अगर देखा जाए समय की परिस्थिति को भी, तो हकीकत यही है कि संसार उस शब्द के द्वारा ही चल रहा है। बाकी ये तो झूठ माट ही है, लट चलाना, ये चलाना, वो चलाना, क्योंकि उनमें खुद में भूत प्रेत घुस जाते हैं। बिना बॉडी के अंदर दूसरी क्रिया होए बगैर कभी भी क्रिया नहीं होती है। आज ये किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, कोई किसी का खून कर देता है, तो ये वो आदमी नहीं कर रहा, वो क्रियाएं करती है, उनके अंदर क्रियाएं बैठी है, वो करवाती है उनसे। ऐसे जीव नहीं करता कभी भी, ये हकीकत है और सत्य है ये बिल्कुल आदेशनाथ जी का। अच्छा, अगर मान के चलो किसी पे भूत प्रेत की परेशानी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई भूत प्रेत वगैरह, तो उसका छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्या है उसका कोई उसका उपाय? छुटकारा सबसे सरल तरीका है गुरु मंत्र जाप, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जहाँ मंत्र शक्ति है वहाँ सब कुछ है, क्योंकि पहला शब्द कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य है, तो मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु कृपा जब ही होगी आप पर, जब वो शब्द की कृपा होगी, यानी गुरु का नाम ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। शब्द आर है, शब्द पार है, शब्द ही तीन लोक का करतार है। ये सब भगवान विष्णु हैं, भोलेनाथ हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये शब्द रूपी हैं। किसने देखा इनको, ये हमने उनका रूप आवरण बनाया हुआ है, फिल्मों में बनाया हुआ है, नाटकों में बनाया हुआ है, रामलीलाओं में बनाया हुआ है, उनके हम योग करते हैं, विधि विधान से उनके शास्त्र पढ़ते हैं। तो उस शास्त्र में तुम्हारी करनी लिखी हुई है क्या? वह नहीं लिखी हुई, करनी आपको ही करनी पड़ेगी। साख हम उन गुरु पीरों की ले सकते हैं, लेकिन करनी अपनी साची, करनी से ही पार हो सकता है। यहाँ कर्म प्रदान है, आपको कर्म शुद्ध करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ सात्विक क्रिया को ही प्रभावदान है गुरुदेव आदेश। या चाहे कितना भी अघोरी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे तीर्थ धाम करने वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन सबसे बड़ी क्रिया सात्विक क्रिया है। उस सात्विक क्रिया द्वारा ही, यानी शब्द द्वारा, यानी गुरु मंत्र जाप द्वारा आप किसी को भी शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ये पक्का खेल है आदेशनाथ जी का। बिल्कुल, अगर मान के चलो किसी पे भूत प्रेत वगैरह है, तो अगर वो यहाँ पे आ जाए आपके पास, तो कितने समय में उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? मैं उसके लिए उसको 3 से 3.5-4 घंटे का समय लेता हूँ। अच्छा, मैं 3-4 समय में उसका, एक तो दवाइयों द्वारा इसका पूरा उतारा करता हूँ, शरीर का उतारा करवाता हूँ पूरा। उसके बाद वो चीज़ हटने के बाद उसके बाद मैं एक जंतर देता हूँ मैं गुरु नाम से। और सबसे बड़ी क्रिया मेरी यही है कि शब्द द्वारा, बिना शब्द के सब बेकार है। जहाँ शब्द लग गया वह समझ लो आपका सब कुछ हो गया वहाँ, क्योंकि शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औसत करे एक करे गाँव। शब्दों की माया कहाँ है? आज यहाँ शब्द हैं जहाँ आर पार है, कि विद्याहीन भूखा मरे, घर घर भोजा ढोए, अरे रोटी मिले न पेट भर, घर का बालक रोए। तो वहाँ क्यों हो रहा है कि वहाँ शब्द है, और ये जीव क्यों भटक रहे हैं, वहाँ शब्द नहीं है, और जो आनंद ले रहे हैं वहाँ शब्द है। शब्द यानी एक शब्द से वकील बन गया, एक शब्द से जज बन गया, एक शब्द से थानेदार बन गया, एक शब्द से पत्रकार बन गया, एक शब्द से पंडित बन गया, एक शब्द से मौलवी बन गया। उनके वो शब्द लगाए, उनके गुरु मंत्र लगाए, जब जाके वो वैसे निकले। और सारे तो होंगे नहीं संसार में ऐसे, कुछ हाँ कुछ ही होते हैं यहाँ, बाकी तो सब चुगे का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नौकरी कर रहे हैं सुबह शाम की, हजारों मंदिर हैं देवस्थान विभाग से, मैं भी देवस्थान विभाग से ही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक मंदिर तक की जगह नहीं मिली। हम जहाँ रहते थे, जहाँ भंडारा करवाया, सारी जिंदगी करी, उसकी सेवा करी धुने की, वहाँ तक से हमें निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ क्रियाएँ हो रही है। वहाँ खेल दूसरा था, भोग का खेल था, वहाँ गंदा भोग था, और वहाँ हमें वैसे ही नहीं रह सकते।
और यहाँ घूम फिर के गुरु महाराज का नाम लेके हम पेड़ के नीचे बैठ के भी अगर हम उस शब्द का जाप करते हैं तो उस गुरु महाराज की क्रिया से उस बिल्कुल स्वयं मेरी तरफ से चाहे ठीक होगा नहीं होगा लेकिन उस शब्द पे मुझे पूर्ण विश्वास है। आज नहीं मेरे को 30-35 साल हो गए इस शब्द से क्रिया करते हुए। बिल्कुल महाराज बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो महाराज जी ने ये जो बातें बताई हैं और भूत प्रेत की जो क्रिया है मंत्र वगैरह के बारे में बताया, तो आप लोगों को कैसा लगा? और ये जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो में लगातार लेकर आता रहूँगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।